बिग बॉस सीजन 13 खत्म हो चुका है, तो वहीं यहां पर कंटेस्टेंट को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के बाद पारस छाबड़ा को मिला है नया शो जो है उनका स्वयंवर। यहाँ पर मुझसे शादी करोगी स्वयंवर को लेकर पारस छाबड़ा लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शो में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी जसलीन मतारू भी आई हैं, तो ऐसे में पारस को वो इम्प्रेस भी कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि पारस से शादी को लेकर अब जसलीन के पिता केसर मतारू का बयान सामने आया है। आखिरकार क्या कहा है जसलीन के पिता ने? उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर वो इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं तो मुझे कैसी परेशानी हो सकती है, शादी तो करनी ही है ना, उसे उसके हिसाब से लड़का मिलता है तो अच्छी बात है, बात बन जाती है तो अच्छा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बिग बॉस सीजन 13 को लेकर कहा कि मैंने बिग बॉस सीजन 13 बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया था, लेकिन इतना पता है कि पारस छाबड़ा एक गुड लुकिंग लड़का है। हालांकि अब इस शो में देखूंगा और सोचूंगा कि उनका व्यवहार भी कैसा है। ना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जसलीन को मेरी ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे सलाह जरूर दूंगा, वरना नहीं। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो यहाँ पर जसलीन मथारू जो कि पारस को इम्प्रेस कर चुकी हैं, तो वहीं माहिरा शर्मा और पारस की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या रिएक्शन होता है उनके फैंस का। जी हाँ, यदि जसलीन पारस छाबड़ा को बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर देती हैं और पारस छाबड़ा शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में माहिरा शर्मा के फैंस का दिल टूट जाएगा। आखिरकार इनकी दोस्ती उससे भी कुछ ज्यादा दिखती है। ऐसे में क्या कहते हैं माहिरा और पारस के फैंस, देखते हैं। वेल, आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांश की रिपोर्ट।